नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे। बिहार में 24 सीटों पर स्थानीय निकाय से एमएलसी का चुनाव हो रहा है और ऐसे में यहां से जो सिटिंग एमएलसी थे उनका टिकट काट दिया गया है भाजपा की तरफ से। सच्चिदानंद राय यहां के भाजपा के एमएलसी थे, उनका टिकट काट दिया गया है और धर्मेंद्र कुमार सिंह को टिकट दे दिया गया है। लेकिन ऐसे में छपरा के जो स्थानीय निकाय का जो वोट है, अब वो कहाँ जाएगा? क्या वो धर्मेंद्र कुमार सिंह को मिलेगा या फिर आरजेडी की तरफ चला जाएगा? क्योंकि आरजेडी की जो उम्मीदवार हैं सुधांशु रंजन पांडे, वो भी कदावर एमएलसी यहां के बताए जा रहे हैं, हालांकि वो पहली बार उतरे हैं इस क्षेत्र में। ऐसे में हम नसरिया पंचायत के मुखिया के पास हैं, इनके पास लगभग 14 वार्ड हैं, वार्ड मेंबर 14 हैं और सबके सब इनके समर्थन में, एक बीडीसी हैं वो भी इनके समर्थन में है। अब देखने वाली बात है कि छपरा का स्थानीय निकाय का वोट जो है वो कहाँ ट्रांसफर होता है। क्या सच्चिदानंद राय जब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो उनके तरफ ट्रांसफर होगा या फिर ये वोट जो है वो भाजपा को न मिलकर आरजेडी को मिल जाएगा? पहले पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच्चिदानंद राय का टिकट कट गया है छपरा से, क्या लगता है कि अब सच्चिदानंद राय का जो वोट है वो आरजेडी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा या बीजेपी के जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनको मिलेगा? सच्चिदानंद जी यहाँ के इस एरिया के लिए लोकल थे, अभी वो बीजेपी के तरफ से लड़ते तो कुछ उनको वोट मिलता, लेकिन हमारे पंचायत या आसपास का जो भी अब माहौल बन रहा है सच्चिदानंद जी के टिकट कटने के बाद, हम लोग का जो भी वोट ट्रांसफर होगा वो आरजेडी में जाएगा। और रहा हमारा पंचायत या हम लोग के बारे में, हम लोग तो शुरू से आरजेडी के तरफ हैं, आरजेडी के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। आपको लगता है कि आपके कहने पर जो भी 14 वार्ड है वो आपकी तरफ रहेंगे, रुझान रहेगा? वार्ड मुखिया एक दूसरे का सहयोगी होता है, एक दूसरे से मिलकर तालमेल कर काम करता है, तो हम उम्मीद करते हैं हमारे 100% वार्ड हमारे साथ। यानी जो आरजेडी टिकट दिया है यहाँ पर सुधांशु रंजन पांडे को, उनकी जीत सुनिश्चित है? हम तो चाहेंगे कि वो जीते और जीत का हम लोग उनका लड्डू खिलाए और माला भी पहना। मतलब आपको ऐसा तो नहीं ना कि आरजेडी के समर्थक हैं आप या फिर ऐसा? नहीं नहीं, हम शुरू से आरजेडी के समर्थक हैं, हम आरजेडी के साथ हैं। तो विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं कि पार्टी के नाम पर? देखिए कहीं भी जाइए विकास का तो बात रहता ही है, और लेकिन चूंकि जो कुछ लोग होता है कि पार्टी से जुड़ा रहता है तो उसका दायित्व निभाना पड़ता है। तो आपको लगता है कि जो भी सुधांशु रंजन पांडे हैं अगर एमएलसी बनते हैं तो क्षेत्र का विकास होगा, आपके मुद्दे को लेकर सदन में जाएंगे? हाँ, चूंकि सुधांशु रंजन जी से हम लोग से क्लोज है, पार्टी का बात है या ऐसे भी हम लोग से क्लोज है, तो जो भी हमारे पंचायत के समस्या होगा हम लोग उनसे रखेंगे और हमारे उम्मीद है कि हमारे पंचायत की समस्या को समाधान। आप दूसरी बार यहाँ के मुखिया बने हैं, तो इसके पहले जो एमएलसी थे वो सच्चिदानंद राय थे, समस्या समाधान होता था? एमएलसी उनसे मिलने जब जाते थे तो सदन में आपकी बात को लेकर जाते थे, उनको भी आपने देखा है? नहीं, उनसे तो हमने क्या है नहीं है, लेकिन ठीक है, हमारे लिए कोई ऐसा नहीं था कि हमारे लिए ज्यादा निगेटिव थे, मिला जुला आदमी अच्छे थे। आपको क्या लगता है क्यों कटा होगा सच्चिदानंद राय का? अब तो बीजेपी जाने, बीजेपी का पार्टी का बात है, उसमें हम क्या कर सकते? अच्छा, उसमें कुछ नहीं बोलते? नहीं नहीं। चलिए, तो नसरिया पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया पति हैं और सारा काम यही देखते हैं, लेकिन बात यह है कि सच्चिदानंद राय का जब यहाँ से टिकट कट गया, जब यहाँ से धर्मेंद्र कुमार सिंह को टिकट दे दिया गया, तो भुनहारों में एक आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि भुनहार सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करा रहे हैं, भुनहार के जो समूह है वो भी ट्रेंड करा रहे हैं कि आखिर यहाँ से राजपूत को टिकट देकर बीजेपी क्या साबित करना चाहती है, क्योंकि सच्चिदानंद राय के अच्छे खासे समर्थक हो गए थे, 5 साल यहाँ से एमएलसी थे सच्चिदानंद राय, तो उनके समर्थक अच्छे खासे हो गए थे और सच्चिदानंद राय का कुछ बोलवाला भी था, लेकिन सच्चिदानंद राय को टिकट ना मिलने की वजह से बीजेपी को ये नुकसान होगा कि सच्चिदानंद राय का जो वोट है वो अब आरजेडी के तरफ ट्रांसफर होने लगेगा, यानी सुधांशु रंजन पांडे की जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या भाजपा इस गलती को सुधारती है या फिर से धर्मेंद्र कुमार सिंह को ही एमएलसी का प्रत्याशी बनाती है, देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, अब देखते रहते हैं।